सो वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग गाइज। तो करते ब्लॉग की शुरुआत महादेव के आशीर्वाद के साथ। जय शिव शंकर, जय शिव शंभू। तो यार आज हम आ रखे हैं कैंपिंग करने के लिए एक बहुत ही खास जगह पे, कोयला खाल। और उधर साइड जो हम कैंपिंग करेंगे, और मेरे साथ बैंक के स्टाफ लोग आ रखे हैं सब। तो भाई आज मजा आने वाला है, बढ़िया मस्त कैंपिंग वैम्पिंग होगी यहीं पे। ये रही अपनी स्कूटी, बने रहो ब्लॉग में। और हाँ, ब्लॉग पूरा देखना यार, है कि नहीं। तो भाई ये रही हमारी कैंपिंग एरिया। यार लोगों ने गंदगी करा हुआ यार बहुत ज़्यादा। ठीक, कैसे लोग हैं बताओ, कचरा फेंका हुआ। कोई नहीं, साफ कर देंगे। फिलहाल हम तंबू लगाते हैं कहीं। तो गाइस हमारा जो है तंबू लग चुका है, और ये रहा हमारा चूल्हा भी तैयार हो चुका है, लकड़िया वकड़िया सब है। तो आज तो यहाँ पार्टी होने वाली है। आप क्या कहना चाहोगे सर? बहुत ही सुंदर जगह है, कोयला खाल है जगह का नाम। और कैंप आप देख सकते हैं, मैसेज हमने अपना कैंप लगा दिया है। अब हम अपने खाने की तैयारी कर रहे हैं, और जब तक यहाँ पे खाना तैयार होता है तब तक मैं थोड़ी सफाई कर देता हूँ, क्योंकि कूड़ा वाया बहुत हो रखा है। ऐसी जगह साफ रखनी चाहिए। क्यों? हाँ, इतना कूड़ा जमा हो गया भाई। और अभी जो है यहाँ साफ दिख रहा है, अच्छा साफ सुथरा। इससे पहले बहुत गंदगी हो रखी थी। और जो हमारा ये भी तैयार हो गया, आग जलाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ये, जल्दी आग पकड़ लेती है। और इसके साथ जो पतले पतले से ये है, तो भाई काफ़ी अच्छा लगता है साफ़ सफाई करने के बाद। क्यों अच्छा लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं? तो तूने साफ सफाई क्यों नहीं करी? मैं कूड़ा उठा रहा हूँ यहाँ। ये तो मैंने तब तक मैं वहाँ गया। तो फिलहाल तो सर लोग गए हैं पानी लेने के लिए, और यहाँ पे खाली मैं और अवतार सर हैं। आज हमने अपने स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस इलाका ये साफ किया। और मैं लोगों से निवेदन करना, तो जो आते हैं बढ़िया पहाड़ों में आइए। और ये गणेश की शादी की तैयारियाँ अभी से चालू हो गई है जोरों शोरों से। प्याज की कटाई अभी से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल जो है गणेश की शादी है। और तो अभी से हम ये ज़्यादा काम करना सीखेंगे तो फ़ायदा रहेगा। है भाई गणेश, खुश नहीं है क्या? शादी होने वाली है, ऐसा मुंह क्यों लटका रखा है? भाइयों हमने प्याज छील लिया है, और हम इसकी अब कटिंग करेंगे। और अभी तो हमारे साहब लोग पानी दे गए हैं। ये देखो यहाँ पे पेड़ों पर ये लगा रखा है, बढ़िया सा ऐसा गूंद है ये। ओ भाई चिपचिपा सा हो गया। और ये हम देखो गाइस, विद स्नैक्स, मिर्ची मिर्ची मिर्ची, नजर तिरछी। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, इसमें भी दो दो ककड़ी भी डाल दो। ये लो मिट्टी डाल दे, सब डाल दो। ये लो यहाँ पे चिकन की धुलाई होती हुई। और यहाँ पे प्याज का भोग लगाते हुए कितनी चाय पत्ती डालू बताओ? अरे हाँ, पूरा पैकेट। बस बस बस, स्वाहा ओम मडम स्वाहा। और ये चाय हो गई है तैयार, जब तक बन रहा मुर्गा तब तक पियेंगे चाय। क्या गजब है। ये रहा अपना भाई। भाई चाय कैसे बनी हुई है? अच्छी बनी है, मस्त बनी हुई है, मस्त एक नंबर। मेरे को लगता नहीं आपने सुबह नाश्ता किया होगा। सुबह उठता कौन है? हाँ ये भी है, वो भी संडे के दिन, ऊपर से संडे।
और ये बढ़िया सा हमारा जो है मुर्गा तैयार हो चुका है, बन रहा है। इसके बाद बनेगा भात, है ना। अब हम इसमें डालेंगे घास, घास डालेंगे, घास डाले डाले डाले, स्वाद आ गया, स्वाद आ गया। मुर्गा हो जाएगा फिर खाना। और ये हमारा भात भी हो चुका है तैयार, और भाई देखो क्या मस्त धुआं जैसा निकल रहा है इससे, और ये अपना मुर्गा। चलो फिर अब खाने की तैयारी भी करते हैं, चालू। वाह, हाँ 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 हाँ, क्या दिल तेरे देख पे। देख के मजा आ रहा है, इसकी मजा आ रहा है। दे 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 इनको, हाँ कोई नहीं, पहले डाल दो बाहर में, वो डालते रहने बाहर में। अरे आगे कर लीजिए, इतना जबरदस्त बनाया हमारे भाई ने, गणेश ने, चिकन राइस देखते तो एकदम पुलाव को एक एक दाना खिला दिया। अब मेरे को आ रहा है आलस बहुत ज़्यादा, और नींद भी आ रही है, तो अब हम जाएंगे रूम पे और सोएंगे, बस नींद पूरी करके अब चलते हैं फिर, है ना। और यहाँ पे क्रिकेट मैच होता हुआ, BSNL चौका मारने की कोशिश, लेकिन नहीं, जंगलों के बीच में बढ़िया सी पिच बना के क्रिकेट का आनंद, जुनून होना चाहिए, जगह लोग खुद बना लेते हैं। ये देखो जंगलों के बीच में भाई, अभी हम पहुंचे रूम पे, और टाइम हो गया लगभग 4:40, तो मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को मैच भी देखना है भाई। तो ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, क्योंकि हमारा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, 800 के आसपास हो गए हैं, थोड़े से बच्चे हैं, बस 1000 तक पहुंचा दो बस। तो करता हूँ ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर अगले ऐसे ही एक और मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू।